पश्चिमी देशों के साथ चीन के संघर्षों के बीच एक बार फिर राष्ट्रपति जिनपिंग ने भारत को याद किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ से बढ़ते बवाल के बीच चीन ने ग्लोबल साउथ में अपने देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दिया है। दरअसल चीन ने पहली बार विश्व भर में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भारत के पंचशील सिद्धांतों को याद किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संघर्षों को रोकने के लिए पंचशील सिद्धांतों के तहत ग्लोबल साउथ में अपने देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दिया है। ग्लोबल साउथ चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान का घर माना जाता है। जिनपिंग ने यह कमेंट पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ पर किया है। जिनपिंग ने कहा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया और इनकी शुरुआत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम थी। ये 5 सिद्धांत एक दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी तरह की बाधा न डालना, समानता और पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। पंचशील के सिद्धांतों को पहली बार 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार व संबंध को लेकर चीन और भारत के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। चीन में इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत कहा जाता है, जबकि भारत में इसे पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके जनक माने जाते हैं। उन्होंने भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। जब जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एनलाई सीमा मुद्दे का कोई समाधान ढूंढ नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे समेत चीन के करीबी देशों के नेता और अधिकारी आए हुए थे। जिनपिंग ने इस वर्षगांठ पर कहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शुरुआत एशिया में हुई थी, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में छा गया है। पंचशील के सिद्धांतों के वर्षगांठ में चीनी राष्ट्रपति के संबोधन को सुनते हुए ये लग रहा है कि अब जिनपिंग युद्ध से विराम चाहते हैं, लेकिन दुनिया चीन के रवैये को अच्छी तरह जानती है। चीन कब क्या कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।